हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर फॉर अ न्यू वीडियो ऑफ द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। दिस वीडियो इज़ ऑन थर्मोमीटर्स। इट इज़ अ टॉपिक इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर, एंड लेट्स स्टार्ट ऑन थर्मोमीटर। द फर्स्ट थिंग लेट्स स्टार्ट विद विद दैट द फर्स्ट थर्मोमीटर इज इन्वेंट। तो फर्स्ट थर्मोमीटर इन्वेंट किसने किया था? तो वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जो थर्मोमीटर था वो गैलीलियो ने किया था, और इसका जो थर्मोमीटर था वो उसका फंक्शन क्या था या वो बेस किस चीज़ पे करता था, तो उसका सिस्टम क्या था, हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, उसका सिस्टम ऐसा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्यूब है। ठीक है, उसकी ट्यूब इस तरह फिल थी कि उसके अपर पार्ट में जो थी वो एयर थी, ठीक है, और लोअर पार्ट में जो था वो वाटर था। ठीक है, ये थर्मोमीटर था जो गैलीलियो ने इन्वेंट किया था, उसका सिस्टम कुछ ऐसे था। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जो एयर है उसके प्रॉपर्टी ये है कि एयर जब एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, फॉर एग्जांपल हमने इस सिस्टम को, ठीक है, किसी हॉट सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट करवा दिया, ठीक है, उसको इन कॉन्टैक्ट रख दिया, थर्मल कॉन्टैक्ट करवा दिया, ठीक है, ऑफ कोर्स जो है वो ये सिस्टम जो है या एयर जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जैसे ही एयर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, एयर जो है वो हीट अप होगी, और हीट अप होने से ये होता है कि एयर एक्सपैंड होती है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। ठीक है, गैस जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो एक्सपैंड हो जाती है जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, और जैसे ही गैस जो है एक्सपैंड होगी, ठीक है, जो वाटर का लेवल है ना वो डाउन जाएगा। ठीक है, वाटर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर जो है जो एयर है, ठीक है, उससे एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है, कोल्ड बॉडी के साथ अगर उसका थर्मल कॉन्टैक्ट करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स जो है वो एनर्जी जो है एयर से, ठीक है, आउटवर्ड फ्लो करेगी, ठीक है, दूसरे सिस्टम में जाएगी। तो क्या होगा कि जो एयर है इसका जो लेवल है वो कम होगा, एयर जो है कंप्रेस होगी, ठीक है, और वाटर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड कंप्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, हम लोगों को पता चलता था कि कंपैरिजन से कि एक ये टेम्परेचर जो है वो दूसरी बॉडी का कितना है जिसके साथ हम इसका थर्मल कॉन्टैक्ट करवाते थे। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स ये चीज़ एक फाइनल नहीं थी, उसके बाद जो, ठीक है, उसके बाद इस थर्मोमीटर के बाद जो दूसरा थर्मोमीटर मोस्ट जो आज भी यूज़ किया जाता है, जिसकी टेक्निक्स आज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वो किया था डैनियल फॉरनहाइट ने। ठीक है, जो दूसरा उसके बाद जो था थर्मोमीटर था वो डैनियल फॉरनहाइट ने इन्वेंट किया था। ठीक है, इस थर्मोमीटर में क्या था, इसमें इसने ये किया था कि इसने मरकरी को, ठीक है, मरकरी जो है हमारे पास मेटल ऐसी फॉर्म है जो लिक्विड में है, ये वन एंड ओनली ऐसी मेटल है जो लिक्विड में होती है। ठीक है, इसको इसने यूज़ किया था इसकी एक्सपेंशन को, ठीक है, इसकी थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ जो है उसको इसने यूज़ किया था थर्मोमीटर के लिए। इसने ये ऐसा किया कि इसने एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फाइन कैपिलरी ट्यूब में मरकरी को फिल कर दिया। ट्यूब में मरकरी को फिल किया, ठीक है, उसके बाद मरकरी की ये प्रॉपर्टी है कि जब ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, तो मरकरी एक्सपैंड होता है। मरकरी एक्सपैंड होता है ये इस फाइन कैपिलरी ट्यूब के साथ फ्लो करता है। ठीक है, मरकरी की एक्सपेंशन ज़्यादा फास्ट नहीं होती, ठीक है, और ज़्यादा स्लो भी नहीं होती। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका था ये मरकरी को जब हम किसी दूसरी बॉडी के साथ हीटअप को हॉट बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट करवाते थे, तो ये इसकी मरकरी की स्पेशलिटी थी कि मरकरी जो है था वो एक्सपैंड होता था और कैपिलरी ट्यूब के साथ जो है वो फ्लो करता था। ठीक है, उसके बाद हम उससे अंदाज़ा लगा लेते थे कि मरकरी का टेम्परेचर जो है, अगर मरकरी एक्सपैंड हो रहा है ज़्यादा तो इसका मतलब बॉडी जो है वो ज़्यादा हीटअप है। ठीक है, अगर मरकरी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहा, ठीक है, या ज़्यादा टाइम ले रहा है एक्सपेंशन में, तो इसका मतलब है कि बॉडी हीटअप ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ थी कि जो मरकरी का था ये हमें एक क्वालिटेटिव वैल्यू देता था। ठीक है, ये हमें क्वालिटेटिव वैल्यू देता था, लेकिन ऑफ कोर्स हमें फिजिक्स में हमेशा क्वांटिटेटिव वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो इस क्वांटिटेटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, इसी
फाइन कैपिलरी ट्यूब में मरकरी के साथ जो डैनियल फोनहाइड ने थर्मोमीटर बनाया था उसमें और ज़्यादा चेंजेस की गई, ठीक है, और उसमें चेंजेस की गई। अब देखें, एक फाइन कैपिलरी ट्यूब है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू चाहिए। क्वांटिटेटिव वैल्यू मतलब ये कि हमें अब नंबर्स में वैल्यू चाहिए कि कितनी डिग्री जो है या कितने नंबर तक टेम्परेचर पहले था मरकरी का, ठीक है, जब हमने उसको कांटेक्ट करवाया दूसरी बॉडी के साथ, तो फिर कितने जो है जो डिग्रीज जो हैं वो उसके इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, जितने डिग्री ज़्यादा अगर डिग्रीज इंक्रीज़ हुए हैं तो मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप है, अगर कम हुए हैं तो इसका मतलब बॉडी हीटअप ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली जब इसके चीज़ों के लिए फिजिक्स में हमें हमेशा से ऑलवेज हमें रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट्स का ये मतलब होता है कि हमें एक लो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक हमें हाई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमने एंड करना है, ठीक है। तो अब इसका जो था रेफरेंस पॉइंट्स का, ठीक है, वो जो सबसे लोएस्ट रेफरेंस पॉइंट था वो हमें वाटर से मिला, ठीक है, वाटर होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म से, अपनी मेल्ट फॉर्म से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसका मतलब है जो हमारा लोएस्ट पॉइंट जो था हमारा थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया गया। सेंटीग्रेड में क्यों कहा जाता है ये भी हम नेक्स्ट ने इसका डिटेल में बताएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है, हमारा ये भी हमें वाटर से ही मिला, ठीक है। अब ये वाटर से ऐसे मिला के जैसा कि हम सब जानते हैं कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर जो है अपनी लिक्विड फॉर्म से जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपराइज्ड हो जाता है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये हमारा हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद इन्हें सेंटीग्रेड में क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी ये जो है, ये जो पूरी रोड है हमारी 1 मीटर है, ठीक है। अब 1 मीटर में एज वी नो दैट 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और थर्मोमीटर में भी ये पूरी 1 मीटर की जो लाइन है वो 100, ठीक है, हंड्रेड पॉइंट्स में वो डिवाइड होती है 0 से लेके 100 तक, ठीक है, इसमें 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, और हर एक डिवीजन में, फॉर एग्जांपल हमने इसका कांटेक्ट करवाया है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, ठीक है, हॉट सिस्टम है, ठीक है, हॉट बॉडी है, ठीक है, अगर इसका जितना टेम्परेचर होगा, जितनी हीट लगेगी, इसको 1 डिग्री मरकरी को राइज अप होने में, फॉर एग्जाम्पल 1 से वो 2 में जाएगा, इस 1 डिग्री को राइज अप होने में जितना टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, वो इसकी हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है, वो थर्मोमीटर की हीट कैपेसिटी होगी। और उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि जैसा थर्मोमीटर वही बेस्ट होते हैं जिनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, जो एक थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज़ में बेस्ट जो थर्मोमीटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ भी है कि वो मरकरी जो है बहुत जल्द एक्सपेंड ना होता हो, मरकरी बहुत देर ना लगाए एक्सपेंड होने में, समथिंग लाइक दैट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड थर्मोमीटर। ये था एक बेसिक थर्मोमीटर का के वर्क कैसे करता है या वो उसकी इन्वेंशन कैसे हुई, और थोड़ा आगे की बात थी कि जो हमने आज के थर्मोमीटर्स देखते हैं, ठीक है, उनमें बहुत आम जगहों पे, ठीक है, मरकरी के थर्मोमीटर जो हैं यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बहुत और भी इन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम थर्मोमीटर्स और भी बहुत से एग्जाम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसा कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, फिर हम सिलिकॉन्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ होते हैं, ठीक है, वो वाटर की क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं जो कि अपनी कलर चेंज कर लेते हैं, वाटर क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है, जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, दैट्स अबाउट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर्स, एंड नाउ लेट्स मूव अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है,
थर्मोमीटर में भी यही होता है कि जब हम मरकरी है एक्सपेंड होता है तो वो एक इक्विलिब्रियम अटेन करता है, ठीक है। उस वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है जब दोनों सिस्टम्स में जिसके साथ थर्मोमीटर इन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, वो दोनों सिस्टम्स में एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाता है, ठीक है, अपने स्टॉप हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। मरकरी एक बैलेंस पोजीशन अटेन कर लेता है जब, तो इस चीज़ को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब थर्मोमीटर जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसी तरह सेम यही एक एस्पेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम का। थर्मोडायनामिक्स में हम एक सिंपल इक्विलिब्रियम एक और चीज़ है, और एक थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होता है, उसको भी हम यही इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। और उसका उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को पहले समझना होगा, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है, वो हमारा है थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम हमें अटेन करने के लिए चंद स्टेप्स जो हैं उनसे हमें गो थ्रू होना पड़ता है, ठीक है। और उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम पहले उन्हें पहले देखते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टेट हम ऐसे करते हैं कि डिफाइन ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ए है। हमने इसे एक सिस्टम दूसरे बी के साथ इन थर्मल कॉन्टैक्ट में रखा, ठीक है। दोनों जो है दोनों सिस्टम्स के दरमियान, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और ठीक है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और एक पॉइंट पे ये एनर्जी का ट्रांसफ़र रुक जाता है, ठीक है, अंटिल ये कि इनका जो एनर्जी ट्रांसफ़र है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसे हम तब हम कहेंगे कि सिस्टम ने जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए, लेट हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, हमने इसे इन कॉन्टैक्ट रख दिया एक दूसरे सिस्टम के साथ, ठीक है। दूसरे सिस्टम के साथ दोनों सिस्टम्स में एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एनर्जी का फ्लो जो है वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, एनर्जी फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तब हम उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि चेंजेस ऑफ वॉल्यूम बिटवीन टू सिस्टम्स अंटिल अ बैलेंस इज रीच्ड एंड वो चेंज इन वॉल्यूम स्टॉप्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये पिस्टन है, इसमें मूवेबल पिस्टन है, और इसमें ये गैस है, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई मैस रख देते हैं, ये एक बॉडी, एक मैस हमने इसके ऊपर रख दिया। अब जैसे ये मैस रखेंगे, ठीक है, पिस्टन जो है वो मूवेबल है, वो कंप्रेस करेगा गैस को, ठीक है, तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक ये गैस की जो फोर्स है वो ऊपर लगे हुए मैस की फोर्स को बैलेंस नहीं कर देती, ठीक है। जो डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, मैस की, उसे बैलेंस कर देगी अपवर्ड फोर्स ऑफ गैस, ठीक है। तब तक ये वॉल्यूम है वो चेंज होता रहेगा, और जब बैलेंस इज रीच्ड, ठीक है, बैलेंस एक रीच्ड हो जाएगा वॉल्यूम में, तो जो है एक चेंज जो है बैलेंस की वो रुक जाएगी, ठीक है, और उसे हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम ए है, हमने इसे थर्मल कांटेक्ट में रख दिया सिस्टम बी के, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल्स से हमारे तीनों सिस्टम ये हैं, एडियाबेटिक वॉल्स से, ठीक है, एडियाबेटिक वॉल्स में से ये के अंदर हैं, ठीक है, और थर्मली आइसोलेटेड हैं। उसके बाद, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, थर्मली कांटेक्ट में है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो, ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो दोनों सिस्टम्स में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनसे हमें एक नया सिस्टम मिलेगा ए बी, ठीक है, उसके अंदर भी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हैं। इसकी हम इक्वेशन यूँ लिख सकते हैं,
ए प्लस बी ए बी, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि जो है चेंज इन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी में, ठीक है, वो बी सेम रहे चेंज, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इन दोनों के और इन दोनों के बी सेम रहे, ठीक है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब इन ए और बी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी सेम रहे, ठीक है, और ए बी जो हमारे थर्ड सिस्टम हमें ऑब्टेन होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहे, ठीक है। इसका ये जो है ये इक्वेशन लिखने का मतलब ये नहीं है, ये कोई केमिकल या केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं है। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी के पार्टिकल्स की एक्सचेंज का रेट या ए बी के पार्टिकल्स की एक्सचेंज का रेट समथिंग लाइक दैट कि वो सेम होना चाहिए या उसका कोई एस्पेक्ट है इस चीज़ में या इफेक्ट है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है। इसमें जस्ट ये बात की गई है, ये इक्वेशन हमें जस्ट इतना बताती है कि ए और बी सिस्टम के पार्टिकल्स जो हैं पार्टिकल्स हैं वो सेम रहें एज जो है वो ए और ए बी सिस्टम जो थर्ड सिस्टम हमें इन दोनों के थर्मल कॉन्टैक्ट करवाने के बाद हासिल हुआ है उससे, ठीक है। जब हमें ये तीनों कंडीशंस, ठीक है, अटेन हो जाती हैं इन वन सिस्टम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हमें अटेन हो जाता है एक सिस्टम का, हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है एक सिस्टम का, ठीक है, उसके बाद हमें केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है एक सिस्टम का, तो हम कहते हैं वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तब वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ही आता है। और जब तक वो सिस्टम के कोई थर्मल इक्विलिब्रियम या किसी का कोई एक भी इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो अटेन नहीं है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में तो होगा, ठीक है, हो सकता है वो इक्विलिब्रियम में हो लेकिन वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में जो है वो एक सिस्टम तभी होगा जब उसका थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो बैलेंस्ड हो दो सिस्टम्स के दरमियान, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उसका अटेन हो, वॉल्यूम चेंज जो है वो उसकी बैलेंस हो, ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो दो सिस्टम के दरमियान, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल सेम हो कॉन्टैक्ट से पहले और कॉन्टैक्ट के बाद, ठीक है, ये जब तीनों इक्विलिब्रियम के एस्पेक्ट्स में अटेन हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम जो है वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि टू ऑब्टेन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक गैस को हम एक सिस्टम में बंद करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम मास रखते हैं तो वॉल्यूम की चेंज जो है वो हमें पता चल जाती है, ठीक है, उसके बाद जो एक स्टैटिस्टिकल प्रोब से हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस टाइप के हैं उसका पता चला लेते हैं, ठीक है, एनर्जी का फ्लो हमें एनर्जी का फ्लो हमें पता चल जाता है, सिमिलरली लाइक दैट ठीक है, और एनर्जी का फ्लो हम पता लगा लेंगे टेम्परेचर से, ठीक है, कि टेम्परेचर उसका कितना था कितना हो गया है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से एनर्जी का फ्लो पता चला लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम जब ये तीनों ये इक्विलिब्रियम्स जो हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इन्हें मेजर कर सकते हैं, तो ठीक है, तो इस तरह थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील इन फिजिक्स एंड दैट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, और वक्त के साथ साथ जब ये तीनों चीज़ें, जब हमने ये तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, ठीक है, और फिर जैसे विद टाइम ये तीनों चीज़ें और चेंज ना हो, इनकी इसकी एनर्जी, इसका वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नाउ दैट्स द स्टेज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट्स टोटल अबाउट ऑल अबाउट the today's thermodynamic equilibrium and little about thermometers. Thermometers is just for your information, okay, and just I don't want to skip the topic of the chapter, that's why I just explain a little bit of thermometer, and yeah, that's all about. Let's meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.